प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पंडोखेर धाम में पंडोखेर सरकार धाम महोत्सव का आयोजन 23 अप्रैल से 8 मई तक किया जाएगा। धाम के पीठाधीश्वर पंडित गुरु शरण शर्मा ने चुनाव के बारे में बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रबल स्थिति में है, पूरे भारत में राम लहर चल रही है। पंडोखर सरकार के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा पंडोखर सरकार ने कहा कि 23 अप्रैल से श्री पंडोखर सरकार धाम से मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 24 से 30 अप्रैल को वृंदावन धाम से पधार रही कृष्ण प्रिया पूज्य दीदी के द्वारा श्री राम कथा का वाचन होगा। वृंदावन धाम से पधार रहे अर्पिताचार्य जी महाराज के द्वारा श्रीमद माचवत कथा 28 से 30 अप्रैल तक होगी। साध्वी ऋतुम्बरा के श्रीमुख से भक्ति प्रवचन किया जाएगा। भक्तिमय संगीत संध्या एवं अन्य आयोजन भी लगातार होते रहेंगे। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक प्रसिद्ध भजन गायक जीतू खरे, प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर, गायिका संजो बघेल की प्रस्तुति होगी। सुप्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा भी भजनों की प्रस्तुति देंगे। पंडोखर धाम महोत्सव का आयोजन पंडोखर धाम की भूमि पर प्रतिवर्ष होता रहा। आज 28वां महोत्सव पंडोखर धाम में 23 अप्रैल से 8 मई तक पंडोखर धाम महोत्सव पंडोखर धाम की भूमि पर भारतीय सनातन, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रित में लोक कल्याण और जनित में महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भोपालवासी, सभी देशवासी, सभी ईश्वर भक्त, ईश्वर प्रेमी पंडोखर धाम की भूमि के लिए आपको आमंत्रण करते हैं। पंडोखर सरकार पंडित गुरुशरण शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रबल स्थिति में, पूरे भारत में राम लहर चल रही है। प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से भी हमारा कृतज्ञ प्रार्थना है कि जितने भी तीर्थ स्थलों को लिप्त किया गया, अतिक्रमण किया गया, इनको मुक्त शीघ्र कराना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में भोजशाला में जैसे कि यंत्रों को मिटाया गया प्रयास किया गया, वहां की जो मूर्तियां थी उनको मिटाने का प्रयास किया, तो ये साक्ष मिटाने का काम भी चालू हो गया है। इसलिए जितनी जगह जहां जहां हमारी प्राचीनतम शास्त्र और सनातन धर्म की जो साधु संतों के द्वारा जो पूर्व विद्या का कहीं ना कहीं जो चित्रण किए गए हैं और इनका अतिक्रमण है, इनको शीघ्र ही मुक्त होना चाहिए। और आशा भी है कि योग परिवर्तन हुआ है और इस योग में शीघ्र ही भोरशाला धार का निर्णय सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए और साधु संतों के लिए, योगियों के लिए बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस समय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसमें एक्शन ले रही है और जल्दी से जल्दी भोरशाला धार का निर्णय पक्ष में आकर के और उसमें माता सरस्वती की स्थापना होगी और पुनः पूजा पाठ यज्ञ वहां के विद्वानों के द्वारा और शास्त्र प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनेगी, ऐसा मुझे आशा है और ऐसा योग भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।